सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुस्तान के बादशाह बाबर को बेगुनाह साबित कर दिया कि बाबर ने मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाया। इतिहास से यह इल्जाम खारिज हो गया, लेकिन अब यह इतिहास कयामत तक पढ़ा जाएगा कि भारत के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव, मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, देश प्रदेश का सारा प्रशासन, फैजाबाद का कलेक्टर एसपी, दिन दहाड़े पूरी दुनिया मीडिया के सामने बाबरी मस्जिद को गिरवा दिए और भारत का संविधान, संसद, सुप्रीम कोर्ट बाबरी मस्जिद को नहीं बचा पाए। इतिहास सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को भी याद रखेगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट बाबरी मस्जिद की ज़मीन को उन्हीं लोगों को दे दिया जो बाबरी मस्जिद गिराने के मुलजिम थे। भारत के मुसलमान सदियों तक बाबरी मस्जिद शहादत दिवस 6 दिसंबर याद करेंगे इंशाअल्लाह।